ये आपको एक लैंड सी नजर आ रही है, ऐसी नजर आ रही है, ये है इंटर हेमिस्फेरिक फिशर, समझ आ गई। इसके पीछे जो स्पेस होती है यहाँ पे, इसे कहते हैं सब अरेक्नाइड स्पेस, ठीक है ना। इसको फॉक्स सेरेब्री भी कहते हैं, ये जो एरिया आ रहा है ये सारा, आपको आप अगर सेक्शन लेना आर्म्स का उसमें भी आपको नजर आता है, आपको ऐसे एक लैंड सी नजर आती है तीर नुमा, ठीक है ना। तो अच्छा ये एरिया की नजर आ रहा है आपको एक इस तरह, ये दरमियान में इस तरह, ठीक है ना। ये कौन सा एरिया है बताओ? केवम सेप्टम पैलिसिडियम, ये है केवम सेप्टम, इसके नीचे है जी सर। तो ये कौन सा एरिया है? अच्छा ये कौन सा है? ये है लेटरल वेंट्रिकल, ये है लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है ना। अच्छा इसको हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इधर आ जाए, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ये कहाँ खोल रहा है? ये है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है ना। बाकी ये जो इधर उधर नजर आ रहे हैं ये सल्काई है, गहराई है, कॉर्पस क्लोजम था, और ये कॉर्पस क्लोजम है, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। अच्छा इसकी जो ये एरिया आ रहा है ना, ये व्हाइट व्हाइट एरिया आ रहा है, ये व्हाइट मैटर है, जो ग्रे नजर आएगा वो ग्रे मैटर है, समझ आ गई। एक हो गया व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, इसमें सल्काई आ गए, गहराई आ गए, ये इंटर हेमिस्फेरिक फिशर है, ठीक है ना। इधर पिक्चर को जरा सही कर देते हैं, अब देखें आप, ठीक है ना, नजर आ रही है ना आपसे। अब मैं इसको थोड़ा सा लेबल कर देते हैं, ये आ गया कौन सा है, इंटर हेमिस्फेरिक फिशर, ठीक है ना। और ये आ गया केवम सेप्टम पैलिसिडियम है, ये लेटरल वेंट्रिकल हो गए। इसके दरमियान जो लेटरल वेंट्रिकल के दरमियान क्या होता है, केवम सेप्टम पैलिसिडियम। फिर यहाँ से ये आके लेटर और थर्ड के दरमियान क्या होता है, कौन सा फोरामिना होता है लेटर और थर्ड के दरमियान? नहीं सर, वो होता है जो कनेक्ट करते दोनों को, मोनरो फोरामिना, ये जो आ रहा है आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये आ रहे ना, ये फिर खोल कहाँ पर है, ये थर्ड वेंट्रिकल, समझ आ गई। और ये जो एरिया नजर आ रहा है नीचे, ये फोर्थ वेंट्रिकल इधर होता है, और ये सारा टेंटोरियम है, सेरिबली है, ठीक है ना। और ये जो एरिया नजर आ रहा है ये थैलमाई है, इस साइड पे यहाँ पे कैडेट होता है, ये फिर जो न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, और यहाँ पे